तो स्वीडन में मैंने एक व्लॉग बनाया, माजूर शख्स है, माजूर लड़का है, गवर्नमेंट उसकी केयर कर रही है 12 घंटे के वक्फे से, जो उसका खिदमत गुजार है ना वो चेंज हो रहा है। जो भी कोई माजूर शख्स हो ना, गवर्नमेंट वहाँ पर उसको एक सर्वेंट देती है, मुलाजिम देती है, गवर्नमेंट के खर्चे पे मुलाजिम 12 घंटे, एक मुलाजिम खिदमत करेगा 12 घंटे, दूसरा। सवाल पैदा होता है, ए अल्लाह तू तो कह रहा है कि ये यतीमों को ज़रूरतमंदों को धक्के देते हैं, हमारी गवर्नमेंट करती है ये काम जो मुसलमान गवर्नमेंट है? हैं, कोई बेचारा लंगड़ा हो, कोई माजूर हो, मुलाजिम उसके घर आ रहे हैं 12 घंटे, एक मुलाजिम खिदमत कर रहा है गवर्नमेंट के खर्चे पे 12 घंटे, दूसरा मुलाजिम उसके खाने का ख्याल, कोई बीमारी है तो मेडिसिन का ख्याल, धक्के तो हम दे रहे हैं। भैया आपकी भूल है, वो धक्के देते हैं। उनके यहाँ माजूरों के लिए कानून इतने सख्त इसीलिए हैं कि भाई अपने माजूर भाई को रखने के लिए तैयार नहीं है। एक मलफूज सुना है ना, जरूरत ईजाद की माँ है, सुना है ना आपने? जब किसी चीज की जरूरत होती है ना, तो कानून फिर खुद ब खुद मजबूत होता चला जाता।